साबिक हुकूमत का ऑरेंज ट्रेन मंसूबा मौजूदा हुकूमत के गले की हड्डी बन गया। ट्रेन मंसूबा मुकम्मल करें तो फंसते हैं, ना करें तो फिर भी नुकसान। दो साल में ट्रेन ना चली तो मंसूबा खंडर बन जाएगा। सूबाई वजीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कोई ऐसा मंसूबा नहीं जिसमें नून लीग ने माल ना बनाया हो। लॉर्ड मेयर पहले से ज्यादा बाइख्तियार हैं, बल्दियाती बजट का 30% देहात पर खर्च करने का आज़म। जब आपने प्रोजेक्ट ही जैसे ऑरेंज ट्रेन जैसे बनाए हो जिसके ऊपर लोगों का जो है वो 300 अरब से सोचें कि 4 अरब रुपए से एक कैंसर हॉस्पिटल बन सकता है शौकत खानम लेवल का, तो आपने 300 अरब से सिर्फ लाहौर शहर के अंदर ऑरेंज ट्रेन बना दी। अब आप सोचें जब आपने हालात ऐसे क्रिएट करके हमारे लिए छोड़ के गए हैं, हमारा बजट जो 630 अरब था वो 230 अरब पर आ गया, तो आप कैसे लोगों को पूरा करेंगे, कैसे लोगों की ख्वाहिशात पूरी करेंगे। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे में 4 अरब रुपए की मुबैना करप्शन हुई, इंक्वायरी लग गई। नैब ने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट LDA और मास ट्रांजिट अथॉरिटी से रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। मकबूल कौसन का ठेका क्यों मंसूब किया, तहरीरी तौर पर आगाह किया जाए। नैब लाहौर, LDA ने गैर कानूनी तौर पर ठेका मंसूब किया। 90 करोड़ 32 लाख की बैंक गारंटी भी कैश करवा ली गई। दरख्वास्त गुजार। ऑरेंज लाइन मंसूबा ताखीर का शिकार, लागत रोज बरोज बढ़ने लगी। डॉलर की कीमत बढ़ने से लागत 1.62 से बढ़कर 2.27 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। 27 माह में मुकम्मल किया जाने वाला मंसूबा 3 साल बाद भी नामुकम्मल। 90% स्टेशन का काम मुकम्मल, 27 ट्रेनें भी डिपो में पार्क। मौजूदा हुकूमत में मंसूबे पर कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त ना हो सकी। मंसूबे में ताखीर से जुर्माने का बोझ खजाने पर पड़ने का खदशा। पतंगबाजी ने एक और जिंदगी की डोर काट दी। धर्मपुरा में पाँव में डोर फिरने से 8 साला उमर छत से गिर गया। 3 रोज जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद अस्पताल में दम तोड़ गया। जनाजे में लॉर्ड मेयर की भी शिरकत, मेयर की भी खूनी खेल पर पाबंदी की हमायत। वालदैन पर गशी के दौरे, बसंत पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। बापों से जाके पूछो ना जिनके बच्चे इन हादसात की वजह से फौत हो जाते हैं, इनका कोई वाली वारस नहीं है, पूछने वाला नहीं है। हम फिर इमरान खान साहब से ये अपील करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं कि इस खेल को बंद किया जाए जिसकी वजह से इंसानी जानें ज़ाया होती हैं। गरीबों के बच्चे बेचारे रोज़ आए दिन कोई ना कोई मसाइल से दो चार होते हैं, तो ये खूनी खेल बंद होना चाहिए। FIA साइबर क्राइम की कार्रवाई, गैर अखलाकी वीडियो और तस्वीर बनाने में मुलव्वस मुलजिम बादामी बाग से गिरफ्तार। मुलजिम इमदाद के कब्जे से मोबाइल फोन सिम्स और SD कार्ड बरामद। निजी यूनिवर्सिटी की तालिबा को ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम भी मुगलपुरा से पकड़ा गया। मुलजिम ने तालिबा की गैर अखलाकी वीडियो बनाकर फैमिली में वायरल कर दी थी। निज़ामाबाद का रिहायशी जहनी मासूर 22 साला नौजवान कहाँ है, गम से निढाल वालिदा को 9 माह बाद बेटे का पता चल गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक नासिश अली भारतीय शहर अमृतसर की जेल में कैद है। गलती से सरहद पार करने वाले नासिश की रिहाई के लिए माँ के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मदद की अपील। सर 9:12 बजे निकले, अगर जुम्मे वाले दिन मैं इतनी बैठी हूँ, मुड़ के वापस नहीं आया। फिर रोज़ मैं इधर चक्कर लाँदी रही हूँ बट चौंक, फिर दाता साहब असी गए हैं, असर वसा अस्पताल असी गए हैं। इमरान खान आगे मेरी अपील है कि मेरी मदद करे मेरे बच्चे दे लभन। गर्म मसाला जात की खुले आम फरोख्त पर पाबंदी, फूड अथॉरिटी की टीमें अकबरी मंडी पहुंच गईं। दुकानों की चेकिंग, दुकानदारों ने खुले मसाला जात गायब कर दिए। 5 और 10 रुपए वाले ग्राहक आते हैं, पैकिंग करेंगे तो महंगाई मजीद बढ़ेगी, दुकानदारों की शिकायत। नाम निहाद एनर्जी ड्रिंक्स पर भी पाबंदी आयद। फूड अथॉरिटी ने फार्मास्यूटिकल अज्जा वाली ड्रिंक्स को एनर्जी ड्रिंक्स कहने लिखने पर पाबंदी आयद कर दी। सरदार शमीम अहमद खान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए। सरदार शमीम अहमद खान ने नए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम अहमद खान से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बरदारी में वजीर आला पंजाब, वजीर कानून, सूबाई वजरा, जजेज और वकला की शिरकत। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान के हाई कोर्ट पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश, जजेस और वकला ने फूलों की पत्तियां निछावर की, गुलदस्ते पेश किए। ओहदा संभालते ही चीफ जस्टिस का बड़ा इकदाम, रजिस्ट्रार हाईकोर्ट का तबादला, चौधरी इम्तियाज, रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट तायुनात। 36 इजला के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर चौधरी मुनीर को भी ओहदे से हटा दिया। खालिद नवाज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। हाईकोर्ट की इंतजामी कमेटी की तशकील नौ, चीफ जस्टिस सरदार शमीम अहमद खान नई इंतजामी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। जजेस की सीनियोरिटी लिस्ट भी तब्दील, जस्टिस मामून रशीद हाईकोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। तब्दीली सरकार का अहसन इकदाम, मुसाफिरों के लिए शेल्टर होम के बाद अस्पतालों में मरीजों के लिए मेहमान खाने कायम। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने जिना अस्पताल में शेल्टर होम्स का इफ्तिताह कर दिया। पनाहगाह में 200 से ज्यादा लवाहिकीन कायम कर सकेंगे। सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि शेल्टर होम में मरीजों के लवाहिकीन को खाना भी देंगे। वजीर सेहत के जाने के बाद मैट्रेस उठाने की खबरें बेबुनियाद करार। अवामी फलाह के काम के बारे में मनफी कयास सराया मुनासिब नहीं। अस्पताल आने वालों के लिए मेहमान खाना। पंजाब असेंबली का इजलास 7 जनवरी को तलब, 6 मुसवदाए कानून की मंजूरी ली जाएगी। गिरफ्तार अराकीनी असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए मुसवदा पेश किए जाने का भी इम्कान। पंजाब प्रोवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल 2018, पंजाब राइट टू पब्लिक सर्विस बिल भी शामिल। डोमेस्टिक वर्कर्स बिल 2018, पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट बिल 2018 भी एजेंडे का हिस्सा होगा। खोखर ब्रादरान के खिलाफ आराजी केस एंटी करप्शन ने दो शरीक मुलजमान को अदालत में पेश कर दिया। दोनों मुलजमान दो रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले। महकमे एंटी करप्शन ने खोखर ब्रादरान को कल फिर तलब कर लिया। तलबी के बावजूद आज सिर्फ सैफ खोखर ही एंटी करप्शन में पेश हुए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, गैस की बंदिश ने शहरियों को अजाब में मुब्तला कर दिया। एलपीजी माफिया ने मस्नूई बहरान पैदा कर दिया। कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। शहर में एलपीजी 190 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। गैस की बंदिश के खिलाफ अराया गांव के रिहायशी रायविन रोड पर सरपा एहतजाज, मुजाहरीन ने रोड ब्लॉक कर दी। नारेबाजी, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। एमपीए मिर्जा जावेद भी मुजाहरीन से इजहार यकजहती के लिए पहुंच गए। हुकाम से गैस बहाली करने की अपील। यूसी 24 भगतपुरा मसाइल पूरा बन गया। गटरों का पानी गलियों में दाखिल, मकीनों का जीना महाल हो गया। कई अरसे से पानी जमा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। वासा एहलकार पैसे मांगते हैं, कोई मेहमान नहीं आ सकता। अहले इलाका ने इंतजामिया के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। आशियाना इकबाल करप्शन केस में साबिक चेयरमैन PLDC वादा मुआफ गवाह बन गए। साबिक चेयरमैन PLDC ताहिर खुर्शीद का साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद के खिलाफ बयान रिकॉर्ड। जुड़ावाला में करोड़ों रुपए से जदीद डेयरी फार्म हाउस बनाने का भी इल्जाम। नैब लाहौर ने साबिक चीफ इंजीनियर LDA स्टार सईद के खिलाफ करप्शन की तहकीकात का आगाज कर दिया। स्टार सईद ने फार्म हाउस में करोड़ों रुपए के गैर मुल्की जानवर भी मंगवाए। नए साल में भी पुराने तरीके, कहना पुलिस के पास हथकड़ियां कम पड़ गईं। शेर जवानों ने 26 मुलजिमान को रस्सियों से बांधकर अदालत में पेश किया। मुलजिमान के खिलाफ हवाई फायरिंग, वन फिलिंग और हुल्लड़बाजी के मुकदमा दर्ज। शहर की ताजर सियासत में बड़ी हलचल, 4 साल बाद ओल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप फॉल। ताजरों को मुनासिम करने का टास्क सदर अंजुमन ताजरान मलिक अमानत को सौंप दिया गया। नाइम मीर कहते हैं कि नून लीग और PTI ट्रेड विंग के नाराज अहदेदारों को भी मनाएंगे। शहर की तमाम मार्केट्स और बाजारों में तंजीम साजी को बढ़ाएंगे।
نئے سال پر حکومت کا صنعت کاروں کو بڑا تحفہ، ٹیکسٹائل اور ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی، نوٹیفیکیشن جاری، ٹیکسٹائل صنعت کو 10.50 روپے فی کلو واٹ کے حساب سے بجلی فراہم کی جائے گی، گیس اور بجلی کی فراہمی سے بند ملیں چلیں گی اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، ایپٹما رہنما گوہر اعجاز۔ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کو دل کی تکلیف، نجی ہسپتال میں کامیاب انجیوپلاسٹی، ایک سٹنٹ ڈالا گیا، انجیوپلاسٹی مولانا کے بھائی ڈاکٹر طاہر کمال نے کی، اب حالت بہتر ہے، ڈاکٹرز مولانا کی صحت یابی کے لیے دعاؤں کی درخواست۔ تھاپ اور شہنائیوں کی گونج، یادگاری الوداعی تقریب، جنرل پوسٹ آفس کے ریٹائرڈ پوسٹ مین محمد بوٹا کو دلہا بنا کر رخصت کیا گیا، محمد بوٹا کو دلہا کی پوشاک پہنا کر گھوڑے پر بٹھایا گیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور، شرکا کا ڈھول کی تھاپ پر رقص۔ گبرو جوان پھرتیلے جسم، کمال داؤ پیج، کبڈی کا میدان لگے گا، تین ملکی کبڈی سیریز میں شرکت کے لیے ایرانی ٹیم کی لاہور آمد، مہمانوں کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال، سیکٹری کبڈی ایسوسی ایشن محمد سرور کہتے ہیں عالمی کھلاڑیوں کی آمد خوش آئند ہے، ہم امن اور کھیلوں سے محبت کرنے والی قوم ہیں۔ چہرے پر ماسک، ہاتھ میں تلوار، حریف پر وار، صنف نازک نے ایسی تلوار چلائی کہ مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، دوسری نیشنل فینسنگ چیمپئن شپ، مرد و خواتین کھلاڑیوں کی زبردست پرفارمنس، پنجاب کی ٹیم نے حیران کن پوائنٹس لے کر میدان مار لیا۔ اور شہر شدید سردی کی لپیٹ میں، دھند کا صبح سے رات تک مسلسل قیام، شدت بڑھنے لگی، موسم جزوی طور پر ابر آلود، کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، آئندہ آنے والے دنوں میں بارش کی پیش گوئی، محکمہ موسمیات، دھند کے باعث ٹرینیں اور فلائٹ شیڈول بھی متاثر ہونے کا خدشہ۔